Hello my dear students of class 11. So this is my new topic, and in this topic I am going to discuss the Newton's equation of motion, which is especially belong to your chapter motion in a straight line. So students, if you are new to my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon of our channel so that you will get the future notification. So students, let's discuss it. As you know that it is one of the important topic, especially belong to the chapter motion in a straight line. आज हम लोग इसको graphical method से solve out करेंगे और graph के through इसको जो है solve करेंगे और जो भी terminology यहाँ पे use होगी उस terminology को भी discuss करेंगे. तो मेरा जो पहला equation है, आपको पता होगा Newton का जो पहला equation था वो था B equal to U plus AT. उनका जो सेकेंड इक्वेशन था वो क्या था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और जो थर्ड इक्वेशन था वो हमारा क्या था, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. आज हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. क्लियर, वेयर ऑल द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग. It means V star the final velocity of the particle, R object, U star initial velocity, A star acceleration, T star time, and S star particularly displacement or distance. Clear? तो यहाँ पे जो भी symbol है उसकी अपनी खुद की एक meaning है, और उस symbol की meaning के according हम क्या करेंगे, आपस में उसका correlation. It means उसमें आपस में एक दूसरे से वो interrelated है, कैसे interrelated है इसको discuss करेंगे. तो देखो, इसको मैं ग्राफ से बेटर डिस्कस करूंगा. तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, एक एक्सिस पे हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सिस पे मैं आपका वेलोसिटी प्लॉट करने वाला हूं. इट मींस मैंने यहां लिखा वेलोसिटी, और उसके बाद इस वाली एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करने वाला हूं, टाइम प्लॉट करने वाला हूं. ठीक है, अब मैंने क्या माना, सपोज दैट आपने क्या देखा, एक सीन देखा. उस सीन में आपकी एक बस खड़ी है और वो ठीक है कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो है कंटेन कर लेती है. ठीक है, जब वो कंटेन कर लेगी अपने अंदर, होल्ड कर लेगी, तब आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं. इट मीन उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी यू. क्लियर, बाय इस पॉइंट एट दैट पॉइंट ए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है. और उसने क्या किया, अपने आप को यूनिफॉर्मली क्या किया, एक्सेलरेट किया. तो यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन होता है तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे आपका जो है वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है. और आपका आपको मालूम है कि अगर वेलोसिटी चेंज होगा, ऑब्वियसली इसका टाइम भी क्या होगा, चेंज होगा. तो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे क्या होता है कि वो अपनी एक खुद की वेलोसिटी गेन कर लेता है. ठीक है, अब वेलोसिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो इस एक्सिस पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे. तो ये हमारी इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी फाइनल है, एंड दैट पॉइंट विल बी डिफाइंड एज बी. क्लियर, अब बात करते हैं, इसको मैंने नामकरण दे दिया सी, और यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां ड्रॉप कर दिया. इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, एंड अगेन दिस वन इज ई एंड दिस वन इज ओ. ओ को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं ना, जहां से चीजें स्टार्ट करती है वहां हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ओ से. क्लियर, इट मीन्स मतलब है टी टाइम में, देखो यहाँ तक का टाइम जो ओ से लेकर ई तक का टाइम है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम टी है, और उस टी टाइम में वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, वी गेन कर लेता है, और उसमें एक्सेलरेशन फर्दर होगा. अब आपको पता है बेटा ये क्या करेगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है वो हमको बताता है क्या, एक्सेलरेशन बताता है. क्या बताता है हमको, एक्सेलरेशन बताता है. ठीक, तो हमने इसको क्या माना कि इसको माना मैंने कुछ सर्टेन एंगल मान लेते थीटा. ठीक है, आप थीटा एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो जो सबसे पहला रिलेशन है उसको मैं एस्टेब्लिश करता हूँ इस ग्राफ की हेल्प से. देखो पहला रिलेशन फर्स्ट क्या करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको प्रूफ करना है. अब हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, आइए चेक करते हैं ग्राफ से. ठीक, एक्सीलरेशन होता क्या है, देखो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई
चेंज इन टाइम, ये बहुत ही फेमस जो है आपका फार्मूला है, आप इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमको क्या करना है भाई, देखो वेलोसिटी में बेटा चेंजेस यू से लेकर वी तक तो आ रहा है ना, तो वेलोसिटी में चेंजेस निकालना है तो क्या करेंगे भाई, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वी माइनस यू होगा। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब उसने स्टार्ट किया था तब उसका टाइम क्या था भाई, जीरो था। कोई भी चीज आप स्टार्ट करोगे तो उस टाइम को कंसीडर करोगे आप जीरो ही, तो यहाँ पे जीरो है, फाइनल टाइम उसका कितना हो जाता है, मैंने बताया ओ से ई के बीच में टाइम कितना है, टी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फाइनल टाइम और माइनस इनिशियल टाइम दैट विल बिकम्स ए। इज देयर एनी कंफ्यूजन, नो। सो ए को टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम्स ए टी, दिस बिकम्स वी माइनस यू, दिस बिकम्स वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लियर। तो ट्रांसपोज कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, इट मींस u को आपको क्या करना है, इधर ले आना है, v इक्वल टू u प्लस at होगा, और आपने क्या किया, पहला रिलेशन बड़ी ही आसानी से एस्टैब्लिश कर लिया, क्लियर। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ग्राफ के थ्रू समझना चीजें और भी आसान है, थोड़ा कैलकुलस तो भी दिमाग लगेगा, बट ग्राफिकल चीजों में आपकी दिक्कत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा जो नेक्स्ट आपका है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड डेरिवेशन है। सेकेंड डेरिवेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको एस्टैब्लिश करते हैं, दिस वन बिकम सेकेंड एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैंने s से एक्सप्रेस किया। अब बेटा डिस्टेंस क्या होता है, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन में अगर हम उसको ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसका एरिया होता है, मतलब है एरिया अंडर द स्लोप, तो ये जो स्लोप के अंडर में एरिया है ये वाला प्लस ये वाला, क्लियर। तो ये दोनों एरिया क्या बताएंगे कि बॉडी हमारी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों एरिया मिलकर आपस में क्या बताएंगे कि बॉडी हमारी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए भाई, इसका हम एरिया निकाल लें। अब देखो दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हो, एक तो ये ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, ए सी डी ट्राइंगल दिख रहा होगा, और ए ओ ई डी भी ये क्या दिख रहा होगा, रेक्टेंगल दिख रहा होगा, है ना। तो दोनों का एरिया निकाल दो, ट्राइंगल का प्लस रेक्टेंगल का, आसानी से उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। या दूसरा तरीका ये है, आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो। देखो ये सिर्फ ट्रेपेजियम है ना, ए सी ई ओ, ध्यान से देखो, दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड, क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक, कौन सा ट्रेपेजियम, ए ओ ई सी, ए ओ ई सी, इज देयर एनी कंफ्यूजन, नो। अब देखिए क्या करना है भाई, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द साइड, मतलब है नॉर्मल डिस्टेंस लेना, मतलब है ये 90 बनाएगा, ये वाला साइड 90 नहीं बनाएगा, ये वाला बनाएगा, तो नॉर्मल डिस्टेंस आपको लेना है। तो हमने क्या किया भैया, सम ऑफ द पैरेलल साइड ले लिया और मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। अब AO है भाई, AO पैरेलल साइड है, एक साइड EC है, तो यहां पे इन दोनों का सम लेना है। अब ध्यान से देखो, इतनी हाइट कितनी है, U है, और ये टोटल हाइट EC हाइट कितनी है, 0 से लेकर V तक है, तो ये टोटल हाइट V है, इतनी हाइट U है, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, U प्लस V, इज देयर एनी कंफ्यूजन, इनटू हाइट कितना लिखना है बेटा, हाइट, तो हाइट आपको पता है टी होगा सिंपली, तो यहां पे आपने क्या किया, टी, क्लियर। अच्छा अब एक बात मुझे आप बताइए, कि अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था, आई थिंक याद होगा आपको रिलेशन, मैंने क्या बताया है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी बताया है, तो यहां से टी निकालो बेटा, तो ये आएगा वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, आएगा या नहीं आएगा, ठीक, बोलो हाँ या ना, आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा आपका क्या आ सकता है भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अपने आप में ही एक रिलेशन है, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या रख देंगे, u प्लस ए टी, ये वाला इक्वेशन यूज कर देंगे, तो इसको हमने यूज कर लिया, हाफ u, ठीक है, प्लस u प्लस ए टी, ठीक,
इनटू मैंने क्या कर दिया, टी कर दिया, ध्यान से देखिएगा। अब यू प्लस यू टू यू, ठीक है, अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इसको भी अंदर किया, तो आपको पता है कि अच्छा पहले चलो लिख देते हैं ऐसे ही हाफ, ठीक है, टू यू और टी के साथ मल्टीप्लाई, तो टू यू टी टी प्लस एटी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां से आगे देखिए, अंदर मल्टीप्लाई करो, टू से टू कट जाएगा, ये क्या बचेगा यू टी, ठीक है, और प्लस यहां पे हाफ एटी स्क्वायर। इज देयर एनी कंफ्यूजन? तो आपको आई थिंक कि ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा भाई रिजल्ट है वो कितना आएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल रिलेशन है, ठीक है। क्या करना है, एरिया अंडर द जो है आपको स्लोप निकाल देना है, जो एरिया उसका होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट आपका रिलेशन है वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है हमारे पास, तो हम इसको ड्राइव करेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें फार्मूला बेटा ये सिमिलर लगेगा, ठीक है, फार्मूला क्या होगा आपका सिमिलर लगेगा, डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द ट्रायंगल सॉरी ट्रैपेजियम AOEC और इसके साथ हाफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट, यहां तक आपको सेम है और ये वाला स्टेप भी आपका सेम होगा। अब इस स्टेप के आगे मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, क्लियर, तो आपका डेरिवेशन और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको तो थर्ड वाले डेरिवेशन में बहुत ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए, इसका तो शुरुआत के सेकंड वाले से कॉमन है। अब इसमें क्या करना है भाई, यहाँ पे तो मैंने एस लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, ये वाला रिलेशन टी की जगह पे हम यूज कर सकते, देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ने दो रिलेशन क्यों लिखा, ठीक है, उसका रीजन यही था टी की वैल्यू बी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हाफ तो लिखा ही लिखा, यहाँ पे मैंने किया u प्लस वी और यहाँ क्या किया बेटा v माइनस यू किया और डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया a, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, कोई कंफ्यूजन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2a है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिल जाएगा 2as मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लिखा बेटा, देखो ध्यान से, इसको मैं v प्लस यू लिख सकता हूँ, बाई यू प्लस वी लिखो चाहे v प्लस यू लिखो कोई बात नहीं है ना, तो ये हो गया v माइनस यू। अब एक बात बताओ, एक रिलेशन आपने पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी का रिलेशन क्या होता है भैया, कितना होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ पे 2as हो गया। अब आपको पता है कि ये रिलेशन वही तो है जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारा एस्टैब्लिश हो गया, कोई कंफ्यूजन। तो आई थिंक रिलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। देखो क्या है कि जब लॉजिक्स आपके क्लियर होते हैं तो फिर आपको डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जब वहाँ मतलब है लॉजिक में हमारा थोड़ा बहुत लैक होता है तो वो चीज़ें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे चल के। आई थिंक कि आपको इसका पूरा ग्राफिकल मैथड समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।